जिला अस्पताल में दर्द से करा रहा ये तस्लीम अहमद जो बिजनौर की जेल में पिछले 5 साल से बंद था। गौरतलब है कि तस्लीम ने अपने पिता को 5 साल पहले मौत के घाट उतारा था, तभी से वह बिजनौर की जेल में सजा काट रहा है। बिजनौर कोर्ट ने पिछले 6 महीने पहले तस्लीम की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। उसी के बाद उम्र कैद की सजा सुनते ही तस्लीम की बीवी रेशमा परेशान हो गई और दूसरी शादी रचाने के मकसद से अपने शौहर से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगी। अपने शौहर को ठिकाने लगाने के मकसद से रेशमा अपने परिवार वालों के साथ जेल में अपने पति से मिलने गई और अपने साथ जहरीला कैप्सूल ले गई और बीमारी दूर करने के बहाने उसे खिला दिया, जिससे तस्लीम की कैप्सूल खाते ही हालत बिगड़ने लगी। आनंद फानंद में तस्लीम को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर शक के आधार पर पुलिस ने रेशमा सहित उनके परिवार वालों को भी हिरासत में ले लिया। फिलहाल तस्लीम खतरे से बाहर है। इधर रेशमा जब अपने आप को फंसता देखने लगी तो उसने अपने पति तस्लीम पर ही आरोप लगा दिया कि वो मुझे आजाद करना चाहता था, यानी तलाक देना चाह रहा था और न ही उसे जहरीली दवा दी है। इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने रेशमा सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। मुलाकात आई थी मेरी, कौन कौन बुध के दिन मुलाकात तो मुझसे पहले आई थी एक दिन और सद्यानी और घरवाली। हाँ तो ये आए मुलाकात पे, बोले ठीक हो? मेरा हाँ ठीक हूँ। अरे अच्छा, तबियत वबियत कैसी है? मैंने कुछ भी ना सही है तबियत, तो मैंने वही धात आ रही मुझे हरियल की, कहने लगी तुम कह भी रहे थे मैं धात की दवा लेकर आई आपके तुम्हारे लिए। और तुम्हारे मैं पैर उगारू करूँगी, इस पर स्टाम्प पे दस्तखत कर दो, दस्तखत करके मंगाओ वकील ने। मैं बोला मेरा दस्तखत पैरोकारी तू क्या करेगी? इलाहाबाद तो मेरी भेंदा जा रही, भेंदा कर रही सारी पैरोकारी, तो पैरोकार के तो मेरे फोटो वोटो लग गए वहाँ, अब तो तू बेकार लाई हो कागज। कहने लगी ना तुम कर दो दस्तखत, स्टाम्प था 10 रुपये वाला, मैंने मेरा करने का दस्तखत, क्योंकि मेरा सुथरा तलाक तलाक मेरी घरवाली साला भी तलाक तलाक जाते फिर, मैंने कभी तलाक का कागज लिखवा रही हो? मैंने मेरा कर दिया। कहने लगी देखो मैं तुम्हारी, मुझे इतनी मोहब्बत है, मैं किस ढंग से दवा ले गई तुम्हारी, मैं चोट का बहाना करके और पट्टी में दवा लाई बांध के। अच्छा, हाँ तुमने हाथ की पट्टी खोली खोली अलग की मंगवाओ तुमने, वो उसमें से निकाल दी। वो 3 तो कैप्सूल थे, इतनी सारी कागज से में पता नहीं क्या हो सके, अगर वो मिली हुई वो सफेद काली सी। कहने लगी देसी है और मैंने बड़ी मेहनत से बनाई इसे खा लो। तो मैंने वो खाई तो मैंने उल्टी से आ रही करी, उल्टी से मत करो कोई क्या कहेगा, मैंने कुछ ना, मैंने उल्टी आई रही। तो कहने लगी तो पानी पी लो जल्दी से, वो कैप्सूल खा लो। जैसे वो कैप्सूल खाया फिर और उल्टी पुल्टी उल्टी पुल्टी आती रही। ये जेल से है, उसको पुलिस वाले 2 लोग लेके आए हैं, तो इसको पेट दर्द अभी बता रहा है, उल्टी हो रही। अभी ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि मैं खाया नहीं खाया, लेकिन खुद कह रहा है इसने 2 कैप्सूल खाए हैं। अभी मेडिकल हो गया लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पाया इसने कुछ खाया ऐसा जहरीला पदार्थ या नहीं खाया। ये कल का प्रकरण है, तस्लीम नाम का एक मुलजिम है जो हत्या के मामले में जिला कारागार में बंद है। कल उसने ये बात कही कि उसकी पत्नी उसे मिलने आई और उसकी पत्नी ने उसे कोई जहर की गोली थी खिला दी थी, और वो तो उसको अस्पताल में लाया गया, उसकी हालत ठीक है और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। आगे जाँच की जा रही है, जो सही होगी वो कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित करेगी।